सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज में यूज़ होने वाले RRI पैनल के बारे में। इंडियन रेलवेज में रूट इंटरलॉकिंग का ना केवल स्टेशन के माध्यम से ट्रेनों की सेफ्टी मूवमेंट के लिए भी किया जाता है, बल्कि यार्ड के मूवमेंट की स्पीड देने के लिए भी किया जाता है। सबसे पहले इंटरलॉकिंग का मतलब है ट्रेन की प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। तो सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हमें कुछ कंडीशन को वैलिडेट करना होता है। सबसे पहले है उस पर्टिकुलर ट्रैक में किसी दूसरी ट्रेन ऑक्यूपाई नहीं कर सकती, और ये TPR रिले द्वारा अचीव किया जाता है। यहाँ TPR का मतलब है कि ट्रैक रिपीटिंग रिले। दूसरा है, अगर अबव कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अगली कंडीशन के लिए प्रोसीड किया जाता है, और ये पॉइंट्स NWKR RWKR रिले द्वारा चेक किए जाते हैं। यहाँ NWKR का मतलब है पॉइंट डिटेक्टर नॉर्मल रिले, और वहीं RWKR का मतलब है पॉइंट डिटेक्टर रिवर्सल रिले। तीसरा पॉइंट है, तो अब पहली दो कंडीशन से सिग्नल क्लियर हो जाएगा। क्लियर सिग्नल को एक बार ECR से चेक किया जाता है। यहाँ ECR का मतलब है लैंप चेकिंग रिले। चौथा और आखिरी पॉइंट है कि लास्ट में पर्टिकुलर ट्रेन के लिए रूट इनिशिएट किया जाता है, और ये सभी कंडीशंस रिले द्वारा चेक किए जाते हैं, इसीलिए इसे रूट रिले इंटरलॉकिंग के नाम से जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।